एशियन ग्रेनिटो आज शेयर में यहाँ पर लगभग पांच परसेंट की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है और ये गिरावट लगभग सात परसेंट तक की थी और यहाँ पर जो ये पर गिरने के बाद ये शेयर आप देखेंगे तो जहां पर क्लोज हुआ है यहाँ पर एक, ता, एक बार यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है तो यहाँ पर बात की जाए तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट पे शेयर चल रहा है बट हम इससे रिलेटेड बात नहीं करने वाले ओके एशियन ग्रेनिटो के फंडामेंटल्स और सारी चीजों से रिलेटेड हमने यहाँ पर कल बातें करी थी ओके और बातें करी थी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आज शेयर दोबारा गिर गया और शेयर गिरने के पीछे क्या रीजन है उससे रिलेटेड बातें करेंगे ओके क्यों क्योंकि यहाँ पर एक आई रेड होती हुई दिखाई दे रही है जिसकी वजह से बहुत सोफिस्टिकेटेड यहाँ पर गालियां पड़ती हुई नजर आ रही है मुझे ओके इन्वेस्ट फॉर एवर में यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल को तो काफी लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया है कि यहाँ पर ये कैसे हुआ है यहाँ पर बेबूकूफ बनाया जा रहा है या जो भी है ठीक है जो भी मेरा काम था वो मैं कर रहा हूँ ओके और अच्छी और बुरी यहाँ पर वो जो भी है वो यहाँ पर टाइम बताएगा वो किसी से रिलेटेड ना तो हम भगवान है ना आप भगवान हो सिंपल सी बात है चीजें समझनी होती है समझ के यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आई की रेड होती है मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आई की रेड होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग मॉर्निंग में ये शेयर 6% परसेंट यहाँ पर प्लंज होता हुआ दिखाई दिया था शेयर 6% गिरता हुआ दिखाई दिया था और यहाँ पर आप न्यूज पर जाएंगे तो और हर जगह यहाँ पर एक न्यूज मिलेगी कि यहाँ पर एशियन गैनिटो पे यहाँ पर आई की रेड होती हुई आई की रेड होती हुई दिखाई दी है थर्टी टू फोर्टी यहाँ पर प्रोमाइसिस ऑफ एशियन गैनिटो में यहाँ पर आई की रेड होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर हर जगह केवल एशियन गैनिटो एशियन

ना तो आप भगवान है ना मैं भगवान हूँ तो देखिए हम तो हमें हम इस विश्वास से यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, कि, कि है, 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 बट ये शेयर बाजार है ओके शेयर बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है ओके छे सौ वाला स्टॉक अगर पचास रुपए पे आ गया तो यहाँ पर तो भी स्टॉक बाजार है और पचास रुपए वाला स्टॉक यहाँ पर पचास हजार पे भी चला गया तो भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट है ओके तो आप सबसे पहले तो अपने पोर्टफोलियो का डायवर्सिफाइड करके रखना है ओके ये ये न्यूज उन्हें घबरा हट हो सकती है जिसके पास पांच लाख रुपए थे और पांच लाख रुपए में से उसने चार लाख रुपए इसी इसी स्टॉक्स स्टॉक्स में में लगा लगा दिए दिए या उसने लाख रुपए वो एक बार डर सकता है वो नहीं डरेगा जो यहाँ पर अ, हर गिरावट में यहाँ पर इसे बायोन डिप्स कर रहा है ओके और यहाँ पर इस शेयर की अहमियत को समझ रहा है क्योंकि हमने इसके फंडामेंटल्स देखे है तो आपको ये चीज समझनी होगी और दूसरी बात ना तो आप भगवान है ना मैं भगवान हूं तो इसलिए ये जो रेड हुई है ना तो इसके बारे में हमें पता थी ना आपको पता थी और ना ही उन वन परसेंट उन वन परसेंट स्टॉक एफ को पता थी जिन्होंने यहाँ पर अभी अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है यहाँ पर देखेंगे FI's, FI's है तो उन्हें भी नहीं पता थी और अगर प्रोमोटर्स को भी यहाँ पर पता होती तो वो भी यहाँ पर एग्जिट करके भाग जाते और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी सेवेंटी परसेंट है वो भी यहाँ पर निकल चुकी होती तो ना तो उन्हें पता थी ये अनएक्सपेक्टेड था ना आपको पता थी ना मेरे को पता थी ओके और अगर लॉस की भी बात हुई ना तो लॉस सबसे ज्यादा प्रमोटर को हुआ है या फिर पब्लिक में जिनके पास ज्यादा स्टॉक होंगे उनको होता हुआ दिखाई दिया या एफ आईजों ने इकट्ठी यहाँ पर अच्छा खासा माल उठा रखा है उन्हें यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई देगा तो ये चीजें समझने की जरूरत है इसलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करते हैं और जब करते हैं ना तो याद रखिए ऐसा नहीं होता कि आपने आपके मार, आपके स्टॉक पोर्टफोलियो तो में से अगर चार और पांच स्टॉक भी चलते हैं ना तो भी आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हैं सबसे पहली बात ये अपने माइंड में बैठा लीजिए पंद्रह स्टॉक को यहाँ पर बेशक से यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे पांच यहाँ पर अः यहाँ पर आपके शेयर उन्हें सबको बीट करते हुए आपके पोर्टफोलियो को एनहेंस कर देंगे प्रॉफिट में ला देंगे और आपको मिलेनियर और बिलेनियर बना देंगे इस्टेट को थोड़ा सा याद रखिए तो हम बात करने वाले एशियन गैमेंटो से रिलेटेड यहाँ पर क्या होता हुआ दिखाई दी आईटी की रेड यहाँ पर होती हुई दिखाई दी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर लगभग हम देखे पा... 2022 के अंदर अंदर चार से पांच महीने हुए लगभग uh, तो, uh, साल, साल अंदर अंदर नजर आया बट यहाँ पर देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पर फंडामेंटल चेंज होती हुई दिखाई दी है उस चीज को यहाँ पर समझना होगा यहाँ पर देखेंगे अभी तक द एक्सचेंज एक्सचेंज ने भी यहाँ पर क्या किया एक्सचेंज ने यहाँ पर इन्हें एशियन को क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर भेज दिया है नोटिस और उनसे यहाँ पर जवाब मांगा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्लाई अवेटेड तो यहाँ पर अभी रिप्लाई का यहाँ पर क्या हो रहा है वेट हो रहा है एशियन ग्रेटो अभी रिप्लाई देने दीजिए एक बार रिप्लाई दे देगा उसके बाद पर डिसीजन लीजिएगा कि स्टॉक बेकार है या बढ़िया है इस तरीके की न्यूज बहुत सारी मार्केट में फैलाई जाती है क्यों फैलाई जाती है ताकि शेयर गिरे गिर के यहाँ पर ऑपरेटर नीचे से खरीदे नीचे से खरीदेगा तो अब वैसी बात है शेयर यहाँ पर भागेगा क्यों क्योंकि अब इसका टाइम आ रहा है याद रखिए इस शेयर का टाइम आ रहा है मैं इसे

ओके okay, तो पहली बात तो हमें पहले जान लेना बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि क्यों हम हम यहाँ पर माल कंटिन्यू ऑन द बेसिस ऑफ डिप्स पर उठाते जा रहे हैं ओके और थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आएगा क्यों भागता हुआ नजर आएगा क्योंकि इसके टाइम भी बदलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर ये शेयर काफी गिर गया है तीस रुपए पचास रुपए पे आ चुका है और यहाँ पर बात करें एक बेहतरीन सपोर्ट पे ये शेयर चल रहा है अब कुछ मैं इसके फंडामेंटल से रिलेटेड हमने कल यहाँ पर एक्सप्लेन किया था बट उसे थोड़ा सा एनहेंस करते हुए मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं तो सबसे पहले यहाँ पर इस शेयर से रिलेटेड देख लीजिए यहाँ पर देखिए कंपनी का जो रिवेन्यू है ओके okay, वो यहाँ पर ग्रो हुआ है और जो आज तक नहीं हो पाया ओके आज तक अगर हम बात करें कंपनी का हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स होती हुई दिखाई दी है उस चीज से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पर इनका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है यहाँ पर इंक्रीज इन रियलाइजेशन हुआ है इसके अलावा बात करें कंपनी विटनेस हेल्थी डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट बास्केट इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट देर डिमांड टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन द कमिंग पीरियड एज वेल तो यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिमांड है और आगे भी इस तरीके की डिमांड रहेगी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो इनके पास लगभग फुल ईयर स्टोर एट अराउंड एटी फाइव परसेंट की पर है। इसके अलावा इनके एक्सपोर्ट है वो भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ओके okay, वो स्टैंडर्ड बात करें तो लगभग सेम है बट यहाँ पर एक्सपोर्ट पर फर्क आ रहा है क्यों आ रहा है सब चीज से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर जो शिपिंग फ्राइट्स के जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं बीच में आपने सुना होगा कंटेनर की यहाँ पर शॉर्टेज हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ओके यहाँ पर शॉर्टेज होती हुई दिखाई देती उस वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है ये सारी की वजह से इनके जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो यहां पर घटता हुआ नजर आया है वो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि और थोड़ा सा एक आध क्वार्टर के लिए और कमी हो सकती है बट जैसे जैसे यहाँ पर चीजें नीचे आएंगी ओके यहाँ पर महंगाई घटती हुई नजर आएगी चीजें अपने आप बढ़ती हुई नजर आएगी यहाँ पर देखिए गैस का प्राइस इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया जो कि यहाँ पर सेवेंटी टू रुपीज हो चुका है अभी भी इस क्वार्टर में फ्रॉम सिक्सटी फाइव तो यहाँ पर धीरे धीरे गैस का प्राइस ही बढ़ रहा है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज को बताता है कि इनको एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर्स में एज वेल एज एक्सपेंसिज में कहीं ना कहीं इफेक्ट आता हुआ दिखाई देगा तो मैनेजमेंट इज

जैसे ही काम शुरू होगा सब कुछ तैयार हो जाएगा तो इनके पास जो है ना यहाँ पर देखिए इन लगभग 700 करोड़ रुपए पर एन की तो यहाँ पर इनकी जनरेट होगी इनकम एज वेल एज थ्री प्लांट्स एंड एडिशनल रेवेन्यू ऑफ फाइव करोड़ फ्रॉम द शोरूम तो जो यहाँ पर बात की जा रही है ना सबसे बड़ा शोरूम ये मोरबी में यहाँ पर ओपन करने वाले है तो वहां से पांच करोड़ रुपए और ज्यादा आएंगे तो सात और पांच बारह तो सीधे सेल कहां पर जाएगी पंद्रह सौ करोड़ से सीधे तीन करोड़ तो याद रखिए चीजें थोड़े बहुत टाइम जरूर लगेगा बट यहाँ पर चीजें और बेहतरीन होती हुई नजर आएगी एज एज वेल डिमांड फॉर द टाइल्स कंटिन्यू टू रिमेन रीजनेबल स्ट्रॉन्ग लार्जली ड्राइवर फॉर द रियल स्टेट ओके यहाँ पर आपको बताइए रियल स्टेट किस तरीके से भाग रहा है तो डिमांड और ऑब्वियसली यहाँ पर भागने वाली है और किस अम, किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना है तो ऑब्वियसली बात है इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाएंगे और

यहाँ पर कंपनी पास ऑन करती जा रही है याद रखिए पास ऑन करने का मतलब है कि पास ऑन तो हो गया कॉस्ट बढ़ गई है बट जैसे ही यहाँ पर ये चीजें गैस के प्राइस कम आएंगे एज वेल एज यहाँ पर एक्सपेंसेस कम होगा इन्फ्लेशन कम होगा तेल के प्राइस कम आएंगे ये सब चीज नीचे आती हुई जाएगी तो यहाँ पर ये सब चीज तो नीचे आ जाएगी बट इसकी जो कॉस्ट इन्होंने बढ़ाई है ना वो नीचे नहीं आएगी तो याद रखिए सीधे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में छह महीने नौ महीने और एक साल का टाइम लग सकता है बट जब चीजें भागेगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर समझने की

वन ट्वेंटी प्लस कंट्री में नियर फ्यूचर में तो धीरे धीरे यहां पर ये बढ़ा रहे हैं इसके अलावा इंस्टॉल कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं एम्प्लॉइज अच्छे खासे हैं हंड्रेड प्लस कंट्रीज में यहाँ पर प्रेजेंस है फोर्थ लार्जेस्ट लिस्टेड सैरेमिक टाइल्स में ये कंपनी आती है और बारह परसेंट का सीएजीआर की ग्रोथ यहाँ पर दिखा रहा है ट्वेल्व परसेंट की यहाँ पर आर दिखा रहा है और किस तरीके से इन्होंने काम किया है वो सारा का सारा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दे रखा है ओके यहाँ पर सब कुछ दे रखा है कि एडीएल किस तरीके से यहाँ पर काम करता है एग्जिस्टिंग कहाँ पर है न्यू प्लांट यहाँ पर जो इनके ओपन होने वाले वो कहाँ पर है ओके यहाँ पर अलग अलग नीज में जो इनकी इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है सारी की सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दे रखी है ब्रांड किस तरीके से इनका काम करता है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है तो यहाँ पर जाइए सी किस तरीके से भागेगा वो सब चीज यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर ये फ्लोरिंग मार्केट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा ग्लोबल का ब्रेकअप्स यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा सी किस तरीके से बढ़ेगी वो सब चीज प्रेजेंटेशन के थ्रू इन्होंने यहाँ पर बता रखी है तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी इनकी इनके क्लाइंट कौन है इंडिया में यहाँ पर इन्होंने बता रखा है सारे बड़े नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी यहाँ पर नीचे जाइए तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी इंडिया सेरेमिक टाइल्स प्रोडक्शन किस तरीके से है वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है किस तरीके से फॉरन में इनका बहुत ज्यादा यहाँ पर काम होता हुआ मतलब एक्सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा फ्यूचर में वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग यहाँ पर देखिए थर्टी एट परसेंट यहाँ पर सेनामिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया यहाँ पर होने वाला है और ये फोर्थ लार्जेस्ट है तो याद रखिए चीजें यहाँ पर चेंज होने वाली है जब चीजें चेंज होगी तो यहाँ पर ये यह कंपनी बहुत बड़ा ब्रांड है छोटा मोटा ब्रांड समझने की बिल्कुल भी गलती मत करें और यहाँ पर जब चीजें बढ़ेगी और तो आपको पता चलेगी रेवेन्यू देखिए किस तरीके से बढ़ा है नेट तो वर्थ इनकी किस तरीके से बढ़ी है पैट किस तरीके से अब बढ़ता हुआ नजर आएगा ओके मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है बट मार्जिन भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे डेट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है आर ओ सी आर ओई यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है बट धीरे धीरे यहां पर भी बढ़ेगा इसके अलावा यहाँ पर देखिए एशियन गारंटो की ये पर्टिकुलर कंपनी में हिस्सेदारी है ओके पर देखिए में 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 है क्रिस्टल बाकी कंपनीज में हंड्रेड हंड्रेड परसेंट की तो ये इसकी सब्सिडरीज कंपनीज यहां पर नजर आती है तो ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है और यहाँ एक डेटा और था ओके जो यहाँ पर ये मिस होता हुआ नजर आ रहा है उसमें क्या था कि अभी दूसरी यहाँ पर देखिए ये रहा पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ सेरेमिक टाइल्स यहाँ पर देखिए इंडिया का केवल 0.6 सिक्स परसेंट ही बट धीरे धीरे जैसे ही यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर uh, आएगा समझ रही है यहाँ पर समझने की जरूरत है आपको कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रोथ करना पड़ेगा ऑब्वियस सी बात है तभी तो जाके यहाँ पर भारत में लोग आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट अभी है ओके वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जो चाइना अगर हमें चाइना के बराबर पहुंचना है तो चार चार की यहाँ

मिक्स का भी यूज होगा सब चीज बढ़ती हुई नजर आएगी और यहाँ पर जो ये शेयर है एक बेहतरीन शेयर है इसकी ग्रोथ आपने देखी है किस तरीके से यहाँ पर ग्रोथ है कंपनी अपने आप को डेट फ्री कम बनाने में लगी हुई है

परसेंट के रिटर्न मिल लेते सेम एज इट इज यहां पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे और आप यहां पर इसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से यहां पर